हे गाइस, वेलकम और वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अंजलि। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अगेन मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ अमेजोन का कलेक्शन। इस बार का कलेक्शन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ब्लाउज का कलेक्शन है। ऑलमोस्ट फेस्टिवल स्टार्ट हो ही गए हैं एंड वेडिंग का सीजन भी ऑलमोस्ट आ ही चुका है। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा डिमांडेड होता है कि आप चीज़ों को तो कलेक्ट कर लेते हैं, साड़ियाँ कलेक्ट हो जाती है, बट उस टाइम पे सबसे टफ होता है कि एक अच्छा ब्लाउज का कलेक्शन हमारे पास होना। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लेकर आ गए हैं ब्लाउज का कलेक्शन। तो इसके लिए मुझे काफी टाइम से रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि प्लीज आप ब्लाउज का कलेक्शन शेयर करिए। तो बस आपकी फरमाइश में हम लेकर आ गए हैं ब्लाउज का हॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं जितने भी प्रोडक्ट दिखाती हूँ, सारे प्रोडक्ट को मैं इंस्टाग्राम के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए रिसेलिंग कर देती हूँ। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, जिसके जरिए आप हमसे परचेजिंग कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। तो जब तक मैं वीडियो को शुरू करी, तब तक प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपना ढेर सारा प्यार करना एंड ढेर सारा कमेंट करना। नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कलेक्शन जो है हमारा वो है सिंगार स्टूडियो का ब्लाउज, और इनका कलेक्शन काफी अच्छा रहता है जो कि मैंने मंगाया है ब्लैक कलर में। एंड जितने भी फंक्शन ऑलमोस्ट जो आने वाले वेडिंग में, उसमें से ब्लैक कलर काफी अच्छा ऑप्शन होता है। ये काफी सारे ड्रेस या काफी सारे क्रॉप टॉप की तरह लोग यूज कर लेते हैं, साड़ी के साथ तो डेफिनेटली यूज हो ही जाता है एंड बहुत सारे लहंगे के साथ भी ये चला जाएगा, तो काफी अच्छा है। इसमें जो सीक्वेंस लगी वो साइन कर रहे हैं। पूरा जो ये वर्क है वो लखनवी वर्क है, आप देख सकते हैं धागे से छेम उसी तरह से वर्क दिया है, जैसे बीच में ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीक्वेंस लगे जो कि साइन कर रहे हैं, काफी इसकी वजह से काफी अच्छा लग रहा है। सिंगार स्टूडियो के जो इनके ब्लाउज स्पेशली जो आते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, रिजनेबल प्राइस में होते हैं। और गैज में बहुत ज़्यादा रिच लेवल प्राइस के लिए कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। मैंने पहले कई बार ट्राई किए स्टार्टिंग में मंगाने की, जो 300-400 के आसपास जो ब्लाउज मिलते हैं वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। बट इसमें ये शायद 800 के आसपास मुझे ब्लाउज पड़ा था। क्वालिटी इज द सुपर अमेजिंग, फैब्रिक क्वालिटी इज द सुपर। अंदर जो लाइनिंग दी गई हुई है ब्लैक कलर की वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, फुल डे कैरी कर सकते हो ब्लाउज बिना, मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये है इसका फ्रंट का पार्ट जिसमें वोट नेक बनाया गया है एंड ये पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लुक देने वाला है। एंड इसमें पूरी में इस तरह से वर्क दिया हुआ है, आप पास से देख लो। इसमें दो कलर के ऑप्शन, एक व्हाइट था एक ब्लैक था, तो टोटली अपने चॉइस के साथ जा सकते हैं जैसे आपको नीड हो। तो स्लीव्स इसकी काफ़ी अच्छी, एल्बो स्लीव से स्लीव में भी पूरा वर्क है, यानी सेम वर्क पूरे ओवरऑल ब्लाउज में है। फ्रंट के पार्ट में, बैक के पार्ट में पूरा सेम इसी तरह से वर्क गया है, वर्क किया गया है। फ्रंट एंड बैक का नेक ऑलमोस्ट सेम ही है, साइज भी सेम ही है, थोड़ा सा वर्क फर्क है। इस तरह से पूरे में हुक दी गई हुई है, पूरा बंद ब्लाउज है, बिल्कुल भी फुल मतलब कंफर्टेबल में फुल है एंड पूरी हुक की क्वालिटी द सुपर अमेजिंग। तो ब्लाउज ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा मुझे, लेंथ वाइज भी काफ़ी परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा लंबा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, प्राइस भी बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे फर्स्ट ब्लाउज का ये कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसके लिए मैं हाईली रिकमेंड गाइज कर सकती हूँ, इस ब्लाउज को आप लीजिए, बिल्कुल भी पछताना नहीं पड़ेगा। चलते हैं अपने सेकंड कलेक्शन की ओर। तो सेकंड कलेक्शन जो है ऑलमोस्ट मतलब सभी का फेवरेट होता है, तो वो है गोल्डन कलर का। ब्लैक है, गोल्डन कलर ऐसा होता है कि काफ़ी सारी साड़ियों के साथ जाता है, तो ये भी सिंगार स्टूडियो से है। इसमें कुछ इस तरह से वर्क है, इसमें आपको कलर के ऑप्शन काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो मैंने गोल्ड मंगाया, इसमें छोटा छोटा सा वर्क दिया हुआ है जो काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। सेम इसी तरह से वर्क ओवरऑल सब जगह है, वोट नेक है इसका भी, बैक भी ऐसा है, बैक में पूरे में हुक लगाई गई है, हुक की क्वालिटी द सुपर। अंदर जो लाइनिंग दी गई है वह है कॉटन की, उनका फैब्रिक सॉफ्ट होता है सभी को पता है, तो फुल डे इसको भी आप पहन सकते हो, कंफर्टेबल बहुत अच्छा है। इसमें आपको कलर के ऑप्शन आपको मिल ही रहे हैं, तो ये ब्लाउज मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सारी प्रोडक्ट आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये था मेरा सेकंड कलेक्शन, अब चलते हैं अपने थर्ड कलेक्शन की ओर। तो थर्ड कलेक्शन है हमारा ये जो कि पिंक कलर का, ये इतना ब्यूटीफुल मुझे लग रहा था कि कुछ कहने को नहीं। इसमें इस तरह से लाइनिंग वाला गोल्डन कलर का वर्क दिया हुआ है, ये भी सिंगार स्टूडियो से है। पहले मैंने बताया कि इनके ब्लाउज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी बेस्ट पार्टी होती है, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में होती है, कि ना बहुत रिजनेबल तो नहीं है बट एवरेज है, ना बहुत हाई है ना बहुत लो है, मीडियम पे रहता है, तो कोई भी इसको आसानी से ले सकता है। एंड इसमें साइड में जो गोल्डन कलर की लेस लगाई हुई है दादा सुपर अमेजिंग, इसकी वजह से ब्लाउज का लुक बहुत अच्छा आने वाला है, आप देख सकते हो। एंड इसमें भी आपको कलर के ऑप्शन काफ़ी सारे मिल जाएंगे, मुझे पिंक कलर स्पेशली काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। एंड इससे फ्रंट का वोट नेक है एंड बैक में इसका नेक काफ़ी अच्छा है, इस तरह से देख सकते हो, बैक का नेक काफ़ी अच्छा है, ऊपर एक हुक दी गई हुई है इस तरह से एंड नीचे भी इसमें दो से तीन हुक दी गई हुई है। तो ओवरऑल इस ब्लाउज की फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आई है एंड इसमें भी आपको कलर साइज काफ़ी मिल जाएंगे। एंड इसके अंदर जो लाइनिंग की बात करें तो कॉटन का फैब्रिक लगाया गया है, कॉटन का फैब्रिक इज वेरी सॉफ्ट, तो डेफिनेटली कोई भी इसको यूज कर सकता है। इसमें साइज काफ़ी अच्छे थे,
तो किसी भी साइज तक जा सकते हैं, एक्सल के साइज तक शायद इसमें अवेलेबल था और मैंने इस साइज मंगाया है तो मुझे काफी अच्छी फिटिंग आई है। डिटेलिंग दी गई हुई गोल्डन कलर की लाइनिंग की, इसकी वजह से काफी फेस्टिवल पार्टी वियर ये बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं देगा कि आपको सिर्फ डेली यूज में पहनना है या आप इसको फेस्टिवल में नहीं यूज कर सकते या फिर आप रीडिंग में यूज नहीं कर सकते। तो इसकी लाइनिंग वजह से लाइनिंग होने में इतना साइन कर रहा है कि डेफिनेटली किसी भी पार्टी वेयर या किसी भी फंक्शन फेस्टिवल में आप इसको यूज करेंगे तो काफी अच्छा लुक इससे क्रिएट हो सकता है। तो ये था हमारा थर्ड कलेक्शन, चलते अपने फोर्थ कलेक्शन की ओर। फोर्थ कलेक्शन है हमारा ये जो कि रेड कलर का बहुत सुपर, इतना ये मेरा सेकेंड पीस है। इसका एक पीस मेरे पास और पहले से था येलो कलर का, वो काफी अच्छा आया था, फिर मैंने इसमें रेड कलर मंगाया और रेड कलर भी एक ऐसा कलर होता है जो काफी सारी साड़ियों के साथ चला जाता है। तो आज मैंने बेसिकली वही कलर यूज करने के लिए मंगाया है जो काफी सारे चीजों के साथ यूज हो जाए, सिर्फ कोई एक साड़ी के साथ हम किसी कलर को यूज कर पाए तो आप वो कलर लीजिए जो काफी सारे साड़ियों के साथ जाए। तो ये है रेड कलर जिसमें गोल्डन कलर की छोटी छोटी सी डिटेलिंग दी गई हुई है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से छोटे छोटे से डिटेलिंग देने की वजह से बेस्ट पॉइंट क्या होता है कि इससे आपका ये फेस्टिवल के अकॉर्डिंग हो जाता है, वेडिंग के अकॉर्डिंग हो जाता है। कोई अगर अपने वेडिंग के कलेक्शन में इसको कलेक्ट करना चाहता है तो डेफिनेटली इसको कलेक्ट कर सकता है, इससे काफी सारे साड़ियों के साथ यूज हो जाएगा। फ्रंट एंड बैक पूरे ओवरऑल ब्लाउज में सेम इसी तरह का वर्क है। कंफर्ट लेवल जैसे मैंने आप पहले ही बता चुका कि इनके जितने भी ब्लाउज आते हैं उनका कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा होता है। बैक में पूरे में बुक है, वोट नेक है, पूरा ही ब्लाउज बंद है फ्रंट एंड बैक से। लेंथ वाइज ठीक है, कंफर्ट लेवल सही है, अंदर की जो लाइनिंग है वो भी कॉटन का फैब्रिक लगाया हुआ है, आप देख सकते हो तो सुपर है। आपको फुल डे कम्फर्टेबल रहेगा, फुल डे आप कैरी कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको चुभेगा नहीं, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये था हमारा कौन सा कलेक्शन, तो ये था हमारा फोर्थ कलेक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट कलेक्शन की ओर। नेक्स्ट ब्लाउज मैंने जो मंगाया है वो भी श्रृंगार स्टूडियो का है। इनके कलेक्शन मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं एंड इसमें मैंने मंगाया है येलो कलर। इसमें कलर तो आपसे नहीं थे, सिंगल कलर था और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। येलो कलर एक ऐसा कलर होता है काफ़ी सारे कलर के साथ ये भी मिक्स मैच हो जाता है एंड इस तरह से इसमें वर्क है क्योंकि गोल्डन कलर की भी इसमें वर्क दिया हुआ, काफ़ी अच्छा वर्क लग रहा है और साइड में स्पेशली ये मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। जो स्लीव्स में इस तरह छोटी छोटी सी डिटेलिंग दी गई है, पोटली वाले बटन्स लगाए गए हैं तो काफ़ी अच्छी है, छोटी छोटी पोटली अटकाई गई है जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा स्लीव्स में वर्क आएगा, लुक आएगा। तो ये ब्लाउज मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसका भी कम्फर्ट लेवल काफ़ी अच्छा है, अंदर का जो फैब्रिक है वो कॉटन का है। देखिए सारे ही ब्लाउज श्रृंगार स्टूडियो के हैं, सारे ही ब्लाउज में सिमिलरिटी ये है कि सारे ज़्यादातर सभी में बोट नेक फ्रंट एंड बैक में है बट कंफर्ट लेवल सबका है, थोड़ा थोड़ा सा डिजाइन सबकी डिफरेंट है। टोटली आपकी चॉइस कैसी है, आप जा सकते हो, मुझे ऐसे ब्लाउज काफ़ी अच्छे लगते हैं। अच्छा बाकी जो मैंने ब्लाउज दिखाए वो काफ़ी लाइट वेट है, ये थोड़ा सा थिक कपड़ा, थोड़ा इसका फैब्रिक थोड़ा सा थिक है, थोड़ा सा मोटा है बाकियों से बट सुपर क्वालिटी इज द अमेजिंग वर्क इज द वेन, काफ़ी अच्छे से साइन कर रहा है जैसे आपको कैमरे में जब साइन करता हुआ दिख रहा है। ये फ्रंट सामने से भी वैसा ही है, आप देख सकते हो इसके भी लेंथ वाइज परफेक्ट है, साइज परफेक्ट है सभी की। आपको मैं फुल इमेज दे दूंगी तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ओवरऑल मुझे ये वाला ब्लाउज भी काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप ऐसा कुछ लेना चाहते हो डेफिनेटली, अब येलो कलर में अगर कोई ब्लाउज स्पेशली लेना चाहते हो डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लाउज एंड कम्फर्टेबल इन द सुपर अमेजिंग, सारे कलेक्शन मुझे इनके काफ़ी अच्छे लगे। तो अब चलते हैं अपने लास्ट कलेक्शन की ओर। लास्ट कलेक्शन है जो कि काफ़ी रीजनेबल प्राइस में है, ये किसी और स्टूडियो से है, ये श्रृंगार स्टूडियो से नहीं है बट गाइज आप सामने से देखते तो ये काफ़ी मुझे रीजनेबल प्राइस में पड़ा था, ये 400 के आसपास पड़ा था एंड ये मैंने कलर ग्रीन मंगाया था। मैंने स्पेशली इसलिए मंगाया था कि इसका रेंज काफ़ी कम था, ये 400 के अराउंड मुझे पड़ा था तो मुझे लगा देखते कैसा आता है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो 10 में 8 नंबर दे सकती हूँ, बाकी सबका फैब्रिक जितना सॉफ्ट है इसका फैब्रिक उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, शायद आपको स्क्रीन में चीज़ें क्लियर हो पा रही हूँ। आप इसके नेक की डिटेलिंग भी देख सकते हो, उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं है, बाकी ख़राब नहीं है बट फिनिशिंग भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी बाकियों की है। आप इस तरह देख सकते हो तो ये भी विदाउट पैडेड है, सेम उसी तरह से बनावट है, वोट नेक है और फ्रंट एंड बैक से पूरा कवर्ड है, पीछे बैक में हुक लगी है, ये बस वर्क वही आ जाता है कि आपका फैब्रिक की क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो फैब्रिक की क्वालिटी की अगर बात करूँ इसकी क्वालिटी उतनी सुपर नहीं है जितनी कि मैंने बाकी आपको दिखाए हैं श्रृंगार स्टूडियो के, इसके भी ओके टाइप्स हैं। तो डेफिनेटली इसमें भी कलर के ऑप्शन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी बट पहनने के बाद ही कितना अच्छा लगता है वो आपको फुल इमेज में दिख जाएगा। अगर ये पहनने के बाद सही आ रहा है तो फिर भी ठीक है, अब ये अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया तो मैं जब फुल इमेज में दिखाऊंगी तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पहनने के बाद कैसा लग रहा है। तो ये था आज का मेरा कंप्लीट इमेज ऑन का हॉल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार देना। नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉल में, तब तक के लिए बाय बाय।